हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक बैनर एड्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने ऐप्स में। तो इसको इंप्लीमेंट करना काफ़ी इजी होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है एंड स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो मैं स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक्टिविटी चूज करने के लिए एक एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी चूज कर देता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आपके सामने नेम ओपन हो रहा है, प्रोजेक्ट नेम। आपको यहाँ से कोई भी नेम एंटर कर देना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम रहेगा। तो मैं फेसबुक बैनर एड्स लिख देता हूँ, फेसबुक बैनर एड्स। ओके, अभी मैंने ये एंटर कर दिया है। यहाँ से आप नीचे से पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो पैकेज नेम चेंज करना है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट लोकेशन चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको लैंग्वेज जावा ही सिलेक्ट करनी है, क्योंकि जो भी हम कोड एंटर करने वाले हैं वो सब आप जावा में ही करने वाले हैं। ओके, अभी मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो हम वेट करते हैं ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट होने के लिए। तो आप देख सकते हो लोडिंग प्रोजेक्ट का बॉक्स ओपन हो चुका है एंड थोड़ी देर में ग्रेडल सिंक स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इस बॉक्स को क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले एंड इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल सिंक स्टार्टेड, मीन हमारा जो ग्रेडल बिल्ड था वो स्टार्ट हो चुका है एंड थोड़ी देर में हमारा ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगा। तब तक हम वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है, ग्रेडल सिंक फिनिश इन 50 सेकेंड। ओके, अभी हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कोड प्रोवाइड करूंगा, आपको मैं सबसे पहले नोटपैड में उस कोड को ओपन करके बताता हूँ। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस कोड को बस कॉपी करेंगे एंड अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर देता हूँ, ये जो हमारे को डिपेंडेंसी दिख रही है मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें ग्रेडल स्क्रिप्ट में आना है, इसको ओपन करना है एंड इसके बाद जो सेकंड में दिखाई दे रहा है बिल्ड डॉट ग्रेडल, आपको इसमें क्लिक करना है। ओके, इसके बाद में जो आपको डिपेंडेंसी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके नीचे आपको 3.30 के नीचे आपको जो भी हमने डिपेंडेंसी कॉपी की थी आपको इसमें पेस्ट कर देनी है एंड अभी आपको इंटरनेट को कनेक्ट कर देना है, क्योंकि हमें सिंकिंग प्रोसेस करनी है। इसलिए मैं इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। ये होने के बाद अभी आपको सिंक नाउ पे क्लिक करना है। ओके, जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा एंड थोड़ी देर में हमें मैसेज आ जाएगा कि ग्रेडल सिंक फिनिश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्ड सक्सेसफुल इन 11 सेकंड का मैसेज आ चुका है। मैं अभी इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा इंटरनेट का वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये होने के बाद अभी हमारा ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है बिल्ड सक्सेसफुल का, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड अगेन हम कोड में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप टू दिखाई दे रहा है, तो इस स्ट्रिंग को आपको कॉपी करना होगा। तो मैं कंट्रोल सी से इस कोड को कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको रिसोर्स में आना होगा। इस रिसोर्स फाइल को ओपन करने के बाद आपको जो यहाँ वैल्यूज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको ओपन करना होगा एंड जो सेकेंड में दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, मैं इसको ओपन कर देता हूँ एंड जो भी हमने स्ट्रिंग कॉपी की थी मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फेसबुक बैनर प्लेसमेंट आईडी यहाँ पे एंटर कर दिया स्ट्रिंग में। अगेन हमें नोटपैड में जाना होगा, कोड में जाना होगा एंड जो स्टेप 3 दिखाई दे रही है इस लीनियर लेआउट को हम कॉपी कर देते हैं एंड कॉपी करने के बाद जो एक्टिविटी मेन डॉट एग्जामिन है इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। इसलिए हम एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाते हैं एंड ये जो लेआउट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको हम ओपन करेंगे एंड जो सेकेंड फर्स्ट में दिखाई दे रहा है एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम है इसको हम ओपन करेंगे एंड अभी हम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी हमारे को टेक्स्ट में विजिबल हो रहा है मैं इसको बैकस्पेस से रिमूव कर देता हूँ। आप देख सकते हो जो अभी हेलो वर्ड विजिबल हो रहा था वो अभी विजिबल नहीं है। ओके, जो हमने अभी लीनियर लेआउट को कॉपी किए थे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अभी हमारा यहाँ का वर्क हो चुका है। अभी अगेन हम नोटपैड में चले जाते हैं एंड स्टेप 4 को फॉलो करते हैं। अभी आपको यहाँ पे जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है प्राइवेट एडवो, मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। ओके, एंड प्रोजेक्ट में जाके अगेन
आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आ जाना, ये जो फाइल दिखाई दे रही है आपको इसमें आना है, एंड जो ऐप कॉम्पैक्टिविटी है इसके नीचे आपको इस कोड को पेस्ट करना होगा। ओके, इसके बाद अगेन आपको नोटपैड में आना है, एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एड व्यू, इसको कंट्रोल सी से आपको कॉपी करना होगा। तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ, एंड अगेन हम प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, एंड जो एक्टिविटी मेन है इसके नीचे में इस कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बट यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं, तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ अल्ट एंटर प्रेस करना होगा। तो मैं सब पे अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ, लीनियर लेआउट पे भी मैं अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ। ओके, एंड एड साइज पे भी मैं अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे हमने अल्ट एंटर प्रेस कर दिया, जो भी हमारे एरर थे वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुके। अभी हम मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं इसको। तो भी आप देख सकते हो मैंने मोबाइल डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर में ग्रेडल बिल स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल बिल रनिंग। ओके, तो थोड़ी देर में हम ग्रेडल बिल फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल बिल फिनिश इन 49 सेकंड। ओके, तो अभी लॉन्चिंग एक्टिविटी का मैसेज आ चुका है, मीन्स हमारे थोड़ी देर में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप अभी इंस्टॉल हो रहा है, एंड जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम था फेसबुक बैनर एड्स, वो थोड़ी देर में विजिबल हो जाएगा टूल बार में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक बैनर एड शो हो रहा है, एंड थोड़ी देर में हमारा जो बैनर एड्स है वो शो होने लग जाएगा। अभी थोड़ा नेटवर्क इशू है, तब तक हम वेट करते हैं जब तक हमारा फेसबुक बैनर एड शो नहीं होता तब तक। तो आप देख सकते हो अभी नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा फेसबुक ऐड। ओके, एंड इंस्टॉल नाउ का भी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है फेसबुक टेस्ट ऐड के बाजू में। ओके, तो आई होप गाइस अभी आपको समझ में आएगा कि फेसबुक बैनर एड्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने ऐप्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।